आर्क एकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। फ्रेंड्स, कल अपने नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरा डिटेल जाना था और ट्रिक के थ्रू कैसे 10 भारतीयों को जब तक नोबेल पुरस्कार मिला है उसको कैसे याद किया जा सकता है, इसको अपने देखे थे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना उसी टॉपिक पे पार्ट टू आज देखेंगे नोबेल पुरस्कार जो है ना कितने ऐसे विजेता हैं जिनको दो दो बार जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करते हैं। अपने देखते हैं दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता। तो इसका जब आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने की आज कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैंने पूरे डिटेल में बताया था। आज आपने ट्रिक पे चलते हैं और ट्रिक के द्वारा देखते हैं कि कितने ऐसे विजेता हैं जिनको दो दो बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज का ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली है। क्या है? मैडम और जॉन फ्रेंडली है। इस ट्रिक से अपने जना ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में पढ़ेंगे जो जिसको दो दो बार अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मैडम और जॉन फ्रेंडली है, ये छोटी सी ट्रिक है, फनी सी ट्रिक है दोस्त। तो इस पे हम बात करते हैं। अब जना इस ट्रिक के द्वारा मैडम क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। इसको किस लिए दिया गया था? इसको फिजिक्स के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1903 में। और केमिस्ट्री के लिए इसको दिया गया था दोस्त, केमिस्ट्री के लिए दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके साइलेंट हो जाएंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जॉन की बात करते हैं हम, जॉन की, जब जॉन की बात करते हैं तो जॉन बार्डिन, इसका पूरा नाम क्या था? जॉन बार्डिन। क्या नाम था इसका पूरा नाम? जॉन बार्डिन। इसको किस लिए दिया गया था? इसको फिजिक्स के लिए दिया गया था। कब? 1956 में दिया गया था। और इसको दोबारा फिर फिजिक्स के लिए ही 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड की, फ्रेंड ली, फ्रेंड की बात करते हैं, फ्रेंड की बात करते हैं तो फ्रेडरिक सेंगर। इसको कब दिया गया था, किस लिए दिया गया था? इसको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में और 1980 में दिया गया था। अब आपके क्या बचा? ली को देखते हैं, ली से क्या हो जाएगा? लीनस पॉलिंग। क्या हो जाएगा? नीलस क्या हो जाएगा? पॉलिंग। इसको किस लिए दिया गया था? केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। कब दिया गया था केमिस्ट्री के लिए? 1954 में। और इसको शांति के लिए दिया गया था। शांति के लिए कब दिया गया था? 1962 में। तो आपने क्या देखा, मैडम और जॉन फ्रेंडली है। इस फनी सा ट्रिक से हम दो ऐसे विजेता को याद करेंगे जिसको अब तक दो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऐसे विजेता को याद करेंगे जिसको दो बार अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसको जो है इस ट्रिक के द्वारा हम आसानी पूर्वक उसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? मैडम और जॉन फ्रेंडली है।
ट्रिक क्या है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है, तो मैडम मैडम से क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। इसको कब दिया गया था, इसको फिजिक्स के लिए 1903 में दिया गया था। कब दिया गया था, फिजिक्स के लिए दिया गया था 1903 में, और केमिस्ट्री के लिए दिया गया था 1911 में। तो दोस्तों आपने क्या देखा, मैडम क्यूरी को दो बार, मैडम क्यूरी दो बार नोबेल विजेता रही है। तो मैडम क्यूरी एक बार फिजिक्स में कब दिया गया था, तो फिजिक्स में 1903 में, और केमिस्ट्री के लिए क्या दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट की बात करते हैं जॉन, तो जॉन क्या हो जाएगा, जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को दो दो बार फिजिक्स के लिए ही दिया गया था। जॉन बार्डिन को दो बार फिजिक्स के लिए दिया गया था। एक बार फर्स्ट बार कब दिया गया था, फिजिक्स के लिए 1956 में, और फिर पुनः उसको फिजिक्स के लिए दिया गया था 1972 में। पुनः उसको किस लिए दिया गया था, 1972 में। जॉन बार्डिन को दो दो बार सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे भी कह सकते हैं जॉन बार्डिन दो दो बार विजेता रहे हैं, किस किस क्षेत्र के लिए, फिजिक्स में उसको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला। अब नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेडरिक सेंगर। क्या होगा, फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के लिए 1958 में दिया गया था। और 1980 में दो बार दिया गया था। जिस प्रकार जॉन को फिजिक्स के लिए दो बार दिया गया था, उसी प्रकार फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के लिए दो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब कब, एक 1958 में, दूसरा कब, 1980 में। ये दोनों आप याद रखेंगे, जॉन बार्डिन फिजिक्स के लिए दो बार, कब कब, 1956 में, 1972 में, और फ्रेडरिक सेंगर को कब दिया, किस लिए दिया गया था, केमिस्ट्री के लिए। जॉन को किस लिए दिया गया था, फिजिक्स के लिए दो बार, और फ्रेडरिक सेंगर को किस लिए दिया गया था, केमिस्ट्री के लिए दो बार दिया गया था। केमिस्ट्री के लिए कब दिया गया था, 1958 में और 1980 में। अब लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री के लिए 1954 में, और शांति के लिए 1962 में। क्योंकि फ्रेंड्स मैं कल बताया था किस किस क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति के लिए भी बताया था, साहित्य के लिए बताया था, चिकित्सा के लिए बताया था, भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, इस तरह में बताया। तो इसी प्रकार जन लिनस पॉलिंग को 1954 में जो है दिया गया था, किस चीज के लिए, केमिस्ट्री के लिए। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं केमिस्ट्री का शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री ये आपके PHY फिजिक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, PHY फिजिक्स, क्योंकि ट्रिक में जितना आप शॉर्टली याद करोगे उतना माइंड में आपको रहेगा। तो लिनस पॉलिंग को दो दो बार मिला, कब कब मिला, केमिस्ट्री के लिए मिला 1954 में, और शांति के लिए मिला 1962 में। तो दोस्तों आपने क्या देखा, अब तक ऐसे विजेता हैं जिनको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार फिर रिपीट करते हैं, मैडम क्यूरी को फिजिक्स के लिए 1903 में, और केमिस्ट्री के लिए 1911 में। जॉन बार्डिन को फिजिक्स के लिए ही दो बार मिला, कब कब मिला, एक 1956 में, एक 1972 में। उसी फ्रेडरिक सेंगर की बात करते हैं, तो इसको भी केमिस्ट्री के लिए दो बार नोबेल पुरस्कार मिला, कब कब मिला, एक 1958 में, एक 1980 में। अब जन लिनस पॉलिंग की बात करते हैं, इसको केमिस्ट्री के लिए 1954 में, लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री के लिए 1954 में, और शांति के लिए कब मिला था, 1962 में। तो ये छोटी सी फनी सी ट्रिक से आपने क्या देखा, ऐसे ऐसे विजेताओं को आपने याद किया जो जिसको दो दो बार जो है ना, वो दो दो बार जो उसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अब तक कितने विजेता रह चुके हैं जिनको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, आपका आंसर होना चाहिए चार। आपका आंसर कितनी होनी चाहिए, चार, क्योंकि चार ऐसे विजेता हैं जिनको अब तक दो दो बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो दो बार नोबेल, आपने आज ये टॉपिक आपका एंड हो गया, क्योंकि कल मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरा डिटेल बताया था, उसकी स्थापना कब हुई थी, और पूरे डिटेल बताया था कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया अब तक। तो 10 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसी का पार्ट टू था आज। ये वीडियो ज्यादा नहीं, 10 मिनट की होगी, उसी का पार्ट टू था, जिसमें मैंने आज ट्रिक के द्वारा आपको समझाया बताया और याद करने का तरीका बताया कि ये छोटी सी ट्रिक से, मैडम और जॉन फ्रेंडली है, ये छोटी सी ट्रिक से ऐसे विजेताओं को याद करेंगे जिसको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आज जो है ये वीडियो बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने जो उसी का पार्ट
टू था, छोटा बचा हुआ था, उसी को मैंने रिपीट किया। तो दोस्तों आज मैं डिप्रेशन पे 20 मिनट्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखना नहीं भूले, अपने घर में फैमिली में सब समस्त और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि आज डिप्रेशन के चलते लास्ट उसका जो है ना लास्ट जो है उसकी एंडिंग होती है आत्महत्या। इसलिए मैं उस टॉपिक पे खास करके हम अपने युवा साथियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और समस्त परिजनों के लिए मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उस वीडियो का आप देखना नहीं भूले, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।